अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज आपके लिए मैं एक मालवा बकरा जो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव और एग्रेसिव है आप देख सकते हैं, तो ये एक बकरा है और इसके साथ हमारे पास एक और बकरा है जो आप पुरानी एक वीडियो में मेरे देख चुके हैं, मक्की चीनी कोटा है जो अभी अदंत है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों बकरों के बारे में बताऊंगा, इंशाल्लाह पूरी डिटेल दूंगा दोनों बकरों के बारे में, तो वीडियो को आप पूरा देखें और कंटिन्यू देखें। ये एक फोर सेल वीडियो है तो आप पूरा देखेंगे इंशाल्लाह, तो इसमें आपको इनके बारे में और इनकी डिटेल के बारे में भी मैं आपको आगे पूरा बताऊँगा इंशाल्लाह। और एक ख़ास बात, आप जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन दबाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आने वाली मेरी जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन, एक मैसेज आता है नोटिफिकेशन के ज़रिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी न्यू वीडियो आप तक का पहले पहुंचेगी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा मिल जाएगा, जिससे आपको कॉन्टेक्ट करने में मुझे और बकरा ख़रीदने में काफ़ी आसानी हो जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं इन बकरों के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये एक बकरा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज इस बकरे के बारे में इसलिए मैं ख़ास आपको ये वीडियो बनाया क्योंकि बकरा बॉम्बे का पला हुआ बकरा है, मैंने कहीं बाहर से नहीं मंगाया है, काफ़ी एक्टिव है और पूरे वैक्सीनेशन किया हुआ बकरा है। आप देख सकते हैं उसकी झालर, उसकी सींग, उसके कान, यानी मालवा जो अगर ब्रीड के लिए किसी को रखना है, जैसे काफ़ी लोग रखते हैं ब्रीड के लिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा उनके लिए। और काफ़ी एक्टिव है, लगभग 48-50 केजी लाइव वेट है बकरा। बकरी की क्वालिटी मुझे बताने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो जानकार लोग हैं और जो बकरों में जानकारी रखते हैं तो उनको इस बकरे की वीडियो देख के ये बकरे की नॉलेज हो जाएगी कि बकरे की क्वालिटी क्या है, क्योंकि बकरा काफ़ी अच्छा है और पसंद आएगा। ये रेड स्किन में बकरा है लेकिन स्किन इसकी लगभग ब्राउन, सॉरी गुलाबी स्किन जैसी है, लेकिन इसे रेड स्किन ही बोलेंगे, पिंक स्किन एक अलग होती है, ये रेड स्किन में है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों जोड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों फोर सेल है। मक्की चीनी कोटा भी काफ़ी गर्म है, काफ़ी एक्टिव है, और एक्चुअली ब्रीडिंग में जब हम ब्रीडिंग के लिए कोई बकरा रखते हैं हमारे फार्म पे या हमारे बकरियों के लिए, तो उसमें बकरे का गर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, जो गर्मी उनमें आती है। और ये नस्लों में जैसे कोटा और मालवा में ये नस्ल है, इनके अंदर नेचुरल है, ये काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो ये दोनों बकरे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। और मक्की चीनी बकरे के बारे में भी मैं आपको बता दूं, कोटा के बारे में, उसका भी वैक्सीन हो चुका है PPR का हमारे पास, हमारे फार्म पे, तो आपको PPR देना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जो FMD या जो दूसरा वैक्सीन होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बारे में उसके चार्ट और वो डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगा, चार्ट हमारे पास रहता है वैक्सीनेशन का, तो वो मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। दोनों बकरे माशाल्लाह नस्ल में बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है मक्की चीनी और ये दोनों जो मालवा आपके सामने है। मालवा की स्टाइल और जो उसका रुआब है जो बहुत माशाल्लाह है, इस बकरे को भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक्टिव है, तो ये दो बकरे बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आप। और अगर सिंगल किसी को पालना है, जैसे बहुत से लोग शौकीन होते हैं सिंगल बकरा पालने के और अच्छा बकरा पालने के लिए, काफ़ी ऐसा माइंडसेट बनाते हैं कि कुर्बानी तक के बकरे 70-80 किलो के हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये बकरे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी है और वेट भी इनका अच्छा है, 40 प्लस वेट है, 40-50 के बीच में है दोनों बकरे। तो जब ये बकरे आप पालते हैं तो कुर्बानी तक का इनका वेट और अच्छा होता है बनिस्बत छोटे बच्चों के, जो 25 किलो या 30 किलो वाले बच्चे आप लेते हैं, 25-30 केजी वाले बकरे, तो वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते इनके बनिस्बत, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हैं, उनको 40-50 केजी आने तक का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी जो टाइम स्टार्ट हो गया है, लगभग कुर्बानी को 3 से 3.5 महीना हो चुका है, तो ये टाइम पे अच्छे और थोड़े से हेल्दी बकरे आपका सिंगल जो पालते हैं, मैं फार्म वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिंगल पालने वाले लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सी बड़ा बकरा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुर्बानी तक का उनका बकरा काफ़ी अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। तो ये अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए जो सिंगल पालते हैं, और मेरे हिसाब से इंशाल्लाह जो हमारे बम्बई के लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा बकरा है। आप देख सकते हैं कितना गर्म है, वो रुकता नहीं है, तो ये हमारे बॉम्बे के लोगों को काफ़ी पसंद है, हमारे मुंबई के लोग काफ़ी पसंद करते हैं ऐसा बकरा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है पालने के लिए।
तो दोनों बकरा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह उनकी गर्मी देख सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ अल्लाह के फजल करम से, हम कोशिश यही रहती है हमेशा, हम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह लाएंगे, क्योंकि हमारा काम है ये और हमारी कोशिश ये रहती है हमारे फार्म की कि हम आपके लिए अच्छे क्वालिटी बकरे लाए जो अच्छे रहें, आपके फार्म पे पले, आपके घरों में पले। तो ये हमारी कोशिश रहती है आपके लिए अच्छी चीज़ें लाना। तो इंशाल्लाह आते टाइम में, आते वक्त में इंशाल्लाह और इनसे भी बेहतर और इनसे अच्छी चीज़ें लाने की मेरी कोशिश है, मैं आप तक का अच्छे बकरे लाऊंगा, पहुंचाऊंगा। और एक और ख़ास बात ये आज इस वीडियो में, क्योंकि वो हमारी स्कीम ख़त्म हो चुकी है 30 तारीख को, तो इंशाल्लाह 2-1 दिन में हम उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे और वो एक वीडियो बनाएंगे, जो हमारा लकी ड्रॉ था उसका एक वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो बना के मैं भी डालूंगा। तो इंशाल्लाह वो वीडियो को आप ज़रूर देखें, किनका नाम आता है, कौन जीतता है और बकरा किसको मिलता है, तो एक अच्छी वीडियो रहेगी इंशाल्लाह। वो वीडियो आप पूरी देखें, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ। स्टार गोट्स फार्म में आपका फिर एक बार स्वागत है इंशाल्लाह, फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।